कल 21 अक्टूबर को पुलिस शहीदी दिवस है, जिसको लेकर अंबाला पुलिस इस बार अगले 10 दिन तक अलग अलग भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। डीएसपी राम कुमार ने बताया कि कल जम्मू कश्मीर के उड़ी से गुजरात के लिए चली एक मोटरसाइकिल रैली अंबाला पहुंचेगी, जिसका अंबाला हाईवे पर भव्य स्वागत किया जाएगा। बता दें कि 21 अक्टूबर 1959 को बॉर्डर पर चीनी फौज ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जिनकी याद में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस बार हरियाणा पुलिस द्वारा शहीदों की याद में 21 अक्टूबर शहीदी दिवस से लेकर 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम किए जाएंगे। कल 21 अक्टूबर जो है वो पुलिस पूरे भारतवर्ष में पुलिस शहीदी दिवस के नाम से मनाया जाता है, और इस उपलक्ष में कल सुबह अम्बाला पुलिस लाइन में इसकी एक शहीदी दिवस की परेड भी रखी गई है, और ये पूरे हिंदुस्तान में बड़ी उससे मनाया जाता है, क्योंकि इसमें 21 अक्टूबर 1959 की जो एक घटना थी, जो गश्ती दल एक पुलिस का था उस पर मार दिए गए थे, जिनके को याद करने के लिए इस दिवस को हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन इस साल 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसको झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर जो है वो देश का राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिस संबंध में 31 अक्टूबर तक हमारे ये फंक्शन चलेंगे। इस उपलक्ष में कल 21 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर की एक पुलिस की टीम है जो मोटरसाइकिलों पे चली हुई है, उड़ी से वो चली थी, और कल 21 अक्टूबर को वो हमारे यहाँ 11 बजे के करीब शंभू बॉर्डर पे रिसीव की जाएगी, और वो हमारे यहाँ रुकेगी, उसका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। उसके आगे वो चलती चलती 31 अक्टूबर को केवड़िया गुजरात में वो प्रोग्राम ख़त्म होगा, और वहाँ पे राष्ट्रीय जो एकता दिवस है वो मनाया जाएगा, उसमें वो सम्मिलित होंगे।